सरकारें आती हैं और गरीब आदिवासी समूह के लिए कई योजनाओं पर बात करती हैं, मगर हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। कोई गरीब आदिवासी बीमार हो तो उसे इलाज के लिए मरने तक सिर्फ जिल्लत मिलती है। लंबे समय से बीमार चली आ रही महिला की मृत्यु हो गई तो गरीब परिवार महिला का दाह संस्कार भी नहीं कर पाया और शव नदी में बहाना पड़ा। सीधी जिला मुख्यालय के कोटहा निवासी आदिवासी कोल परिवार की एक महिला लंबे समय से बीमार थी। अचानक महिला की मौत हो गई। मृत महिला का परिवार बेहद गरीब है, इस कारण परिवार के पास मृतिका के शव को हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से दाह संस्कार करने तक के पैसे नहीं थे। ऐसे में पीड़ित परिवार ने नगर पालिका से मदद मांगी, लेकिन दिन रविवार था इसीलिए दफ्तर भी बंद था, अधिकारी भी जिले से बाहर थे। लेकिन जाने वाले के शव को अब इन अधिकारियों के छुट्टी से वापस आने तक तो रोका नहीं जा सकता था, लिहाजा परिजन मजबूरन एक रिक्शा ठेले में मृतिका के शव को लेकर जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर सोन नदी में प्रवाहित करने चले गए। हालांकि मृतिका के परिजनों ने नगर पालिका से शव वाहन की मांग भी की थी, लेकिन लापरवाह बना नगर प्रशासन, शव वाहन गरीब परिवार को नहीं उपलब्ध करा सका। वहीं मृतका के परिजनों ने नगरीय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि नगर पालिका से शव वाहन की मांग की गई थी लेकिन नहीं मिल सका, गरीब हैं, पैसा नहीं है इसीलिए सोन नदी में प्रवाहित करने ले जा रहे हैं। मृतका मेरी बहन है जो लंबे समय से बीमारी से पीड़ित थी, आज सुबह उसकी मौत हो गई है। पैसा वैसा नहीं रहा सब, मजबूरी है तो का चीन जाए, हमार बहनी नहीं आया तो नगर पालिका वाले बाहर नहीं दी। हाँ कहीं कहीं ना छुट्टी है तो बाहर ना मिल पाई। कहाँ से लाश लेके आई अपना? कोटहा से ले। सीधी कोटहा? कहाँ लेके जाओ? सोन। सोन ले। किलोमीटर लग रहा है, 4-5 किलोमीटर तो आ गए हो, लेकिन गाड़ी नहीं मिली। कुछ सहायता राशि वगैरह मिली कि वो नहीं मिली? वो कुछ नहीं, सहायता राशि नहीं मिली है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।